जमुई बिहार राज्य भूमाप एवं बंदोबस्त शिक्षक बंदी कर्मचारी संघ से संबद्ध बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी संघ जिला शाखा जमुई के द्वारा जिला बंदोबस्त कार्यालय के सामने सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ जिला शाखा जमुई के जिला मंत्री गौतम कुमार, जिलाध्यक्ष संदीप कुमार, मुख्य संरक्षक अमित रंजन, उपाध्यक्ष शिखा कुमारी सुप्रिया, मीडिया प्रभारी नूरेन राजा अमित जी, कार्यकारिणी सदस्य धनंजय कुमार, गुरफान खान, सुमित सौरभ, हरीश पासवान आदि लोग संविदा कर्मी लोग शामिल रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि हम सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को शायद ही कोई फुलफिल कर पाता है, तो क्योंकि इतना ज्यादा टारगेट है जिसके अनुसार काम को कीजिएगा तो गड़बड़ी का आशंका तो बना ही हुआ है। ठीक है, उसमें भी जो लड़का काम नहीं करने में सक्षम है या उस दिन किसी कारणवश उसका काम नहीं हो सका, उसका सप्ताह दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन काटने के लिए एकदम से बस इन लोग तत्पर रहते हैं कि किसी हाल में इनका वेतन भी काटना है। तो मौका मिले कि काम करना, काम के लिए जैसे किसी एक ही बंदे को दो दो गांव, तीन तीन गांव टैग करा दिया गया, तो कोई एक गांव किसी एक दिन ही कोई आदमी कर सकता है। अब ये लोग चाहेंगे कि सब काम को एक साथ, सब गांव को एक साथ करके दीजिए, तो ये नहीं हो सकता है। ये एक मानसिक प्रताड़ना है, शारीरिक भी दबाव है, इससे लोगों का तबीयत भी ज़्यादा खराब होता है। तो आप बिहार का सर्वेक्षण करा रहे हैं इसलिए कि ताकि बिहार जो है सुचारू रूप से जमीन विवाद से उबर सके, लेकिन इस तरह का जो कर्मी को ऊपर दबाव रहेगा तो वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित रहेगा, तो उसके काज के प्रति जो जवाबदेही रहेगी वो थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके लिए जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी तरह तरह के उसको जो है डांट दबाव करते रहते हैं और उसका सैलरी काटने का भी धमकी देते रहते हैं। कई बार सैलरी भी कटा, मेरा खुद का एक हफ्ते का वेतन काटा गया है फरवरी माह। तो इस तरह का जो है सैलरी काटने का रवैया भी रोका जाए, कहीं कहीं हमें अगर आवश्यकता पड़े तो ऊपर से मार्गदर्शन ऐसा दिया जाए। हाँ, अधिकारियों का एकदम मनमाना रवैया है निचले कर्मी को, जबकि हम लोग डिप्लोमा होल्डर सभी हैं, सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, लेकिन ये सरकार का पद ही था विशेष सर्वेक्षण अमीन के नाम से, तो गांव में भी जाते हैं तो लोग अमीन का भाषा से ही बात करते हैं। लेकिन हम लोग को एक पद कनीय अभियंता का भी मिलना चाहिए, सम्मानपूर्वक भी जीने का सबको हक है, उसी तरह सम्मान हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम लोग काम के लिए तत्पर हैं, लेकिन काम के लिए जब दिशा निर्देश की आवश्यकता हो, कभी कभी प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो भौतिक रूप से निदेशालय को चाहिए कि यहाँ पे प्रशिक्षण आयोजित किया जाए हर महीने दो महीने पे, जब भी आवश्यकता हो, काम का दबाव ज़्यादा हो, या एक लिखित अगर पत्र दिया जाए अपने संबंधित अधिकारी को, तो एक जो है आयोजन किया जाए कि सबको प्रशिक्षण भौतिक रूप से दिया जाए। तो उस पर नाम बता दें, भटक जाइएगा। हाँ, तो काम अभी कर्मी है और हम लोग को बताया गया है कि तकनीकी मार्गदर्शिका एक बनी हुई है हमारे विभाग की, कि उसी के अनुसार आप लोगों को काम करना है और उसमें सारे कर्मी का दायित्व पूरा विस्तृत रूप से लिखा गया है। तो उसमें कहा गया है कि जैसे एक प्रक्रम है खानापूरी किस्तवाड़, तो किस्तवाड़ का प्रक्रम है कि 100 खानापूरी आपको करना है एक दिन में, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बना के एक दिन में 450 कीजिए। और मान लीजिए कि हम लोग प्रेशर में काम भी करते हैं तो उसमें 90% काम जो है गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो सर्वे सही से हुआ नहीं, तो काम का प्रेशर बना के भी और ये सही कार्य नहीं हो रहा है, इस पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक दिन का टोटल कितना सर्वेयर का काम होना चाहिए? एक दिन में जो हमारा मान लीजिए कि तकनीकी मार्गदर्शिका कहती है कि 100 खेसरे के आप करेंगे किस्तवाड़, लेकिन यहाँ पे है कि 450 खेसरा आपको करके देना है एक दिन में, चाहे वो गलत कीजिए या सही कीजिए। इस टाइप से प्रेशराइज जो काम नहीं कर पाते उनका सप्ताह का वेतन। नाम मेरा पंकज कुमार हुआ और हम विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए। तब हम लोग इसको मानदेय भुगतान करते हैं। इस वित्तीय वर्ष 22-23 का अलॉटमेंट अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, अलॉटमेंट आते के साथ ही लोगों को मानदेय दिए जाएंगे। और जो सुरक्षा का ये लोग बता रहे हैं, सर इशू बता रहे हैं कि सुरक्षा, हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया में सुरक्षा की जो भी बात है हम लोग उसके जो लोकल पुलिस पदाधिकारी है उससे कॉन्टेक्ट, उनको सूचना है कि कोई भी सर्वे कर्मी को किसी प्रकार की असुविधा हो उनको प्रोटेक्शन मिले। और काम के दौरान एक बरहट शिविर है, वहाँ के कर्मी को मलयपुर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो लोकल थाने के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया गया, इसलिए कोई सुरक्षा इशू नहीं है, कोई अभी तक एडवर्स कोई घटना नहीं घटी है जिसके कारण किसी को कोई परेशानी का सामना करना। सर वर्कआउट का ये लोग प्रेशर का बता रहे हैं कि 100 खसरा करने का ये हम लोग को दिया गया, इसमें 450 खसरा तक जो है हम लोग को सर्वे कराया जा रहा है, जो उसमें अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को वेतन भी काट लिया जाता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, काम का जो गाइडलाइंस है काम गाइडलाइंस के ही तहत कराया जा रहा है। कोई भी सर्वे कर्मी 10 से 5 हम लोग का जो असेसमेंट होता है काम करवाने का, उस पीरियड में जितनी इनकी क्षमता है उस अनुरूप निर्धारित किया गया है
ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, कहीं कैसी बात नहीं है। बता रहा जाए सर कि नेट का खर्च नहीं मिलता हम लोगों को जो ये चलाते हैं मोबाइल या लैपटॉप सर, तो टेक्निकली हम लोग को ऐसा जो काम करते हैं तो हम लोग को नेट खर्च नहीं मिलता। वो जितनी भी प्रकार की उनको भत्ताएँ हैं वो अलॉटमेंट पर आधारित भत्ता है, अलॉटमेंट जिस मद में अगर आती है उसको अलॉटमेंट दिया जाता है, लैपटॉप का इनको पैसा प्राप्त हो चुका है और अन्य मद की राशि आने पर उन्हें वो भी भुगतान किया जाए। सर ये ट्रांसपोर्ट क्या इन लोग को भी देने का है भत्ता क्या सर की, क्योंकि मोटरसाइकिल लेकर तो डोर टू डोर जाते हैं सर सर्वे में। ट्रांसपोर्ट भत्ता का प्रोविजेंस नहीं है क्योंकि जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको अपने मुख्यालय पे रहना है और मुख्यालय किसी का मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर गाँव में है और वो शहर में दूर रहते हैं तो ये कोई औचित्य नहीं है, सबको अपने सर्विस एरिया में काम करवा के काम करना है, इसलिए वो मांग बहुत इनका जेन्युइन है। सर आफ्टर ऑल एक सवाल सर कि आप बंदोबस्त जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं और आपके अधीन ये सब कर्मी काम कर रहे हैं, आपके ही सर ये अभिन्न अंग हैं, तो इन लोगों की समस्याएं भी सर आपसे अगर रूबरू हो रही तो आप अपने अभिन्न अंग के लिए सर क्या ये लोग इन समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने में आपका योगदान रहेगा? नहीं बिल्कुल, हम लोग इन लोगों का जो मांगे हैं जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक होती है तो हम प्रयत्नशील रहते हैं कि उनकी मांगों को वहाँ रखते हैं कि सर अलॉटमेंट जल्दी आ जाए, या वो भी कर्मचारी हैं ताकि उनको समय पर मानदेय मिल सके। सुरक्षा के लिए जब कभी हमें कोई कहीं से सूचना मिलती है तो हम लोकल थाने से संपर्क करते हैं, पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करते हैं और सुरक्षा का समस्या का निदान करते हैं। और क्षेत्रीय भ्रमण मैं खुद भी करता हूँ, जहाँ पर भी कोई आदमी असुविधा फील करता है तो मैं उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर उनका मार्गदर्शन करता हूँ और साथ ही आम लोगों से संपर्क करके उनकी मनोबल को मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट।